देखो नाजरेत के यीशु आ रहे हैं। मैंने ऐसे सुना है कि वो बहुत से रोगियों को चंगा किए हैं। देखो वह यही आ रहे हैं। अभी यहाँ भी जरूर कुछ होगा। हाँ सच में लग तो रहा है। नारी मत रो, ढाड़स रखो, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। हे युवक, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। अरे बाप रे, इसने देखो हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और उसने अपनी प्रजा की शुद्ध ली है। हमें आनंद मनाना चाहिए। नारी यह आपका पुत्र। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया। हम योहन बपतिस्मा के शिष्य हैं। उसने हमें यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? अरे बाप रे, क्या हाँ मैं बोल सकता हूँ? अरे मैं बोल सकता हूँ, यीशु, अरे ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, उसकी महिमा गाओ, उसकी जय जयकार करो, हालेलुया। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। क्या आप देखे हैं यीशु किधर है? उधर। यीशु, मैं सुना हूँ आप बहुतों को चंगा किए हैं, मैं भी चलना चाहता हूँ। यीशु किधर है? मुझ पर दया कीजिए, मैं चलना चाहता हूँ। Thank you.
अरे मैं तो ठीक हो गया। बाप रे, देखो 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 चलने चलते हैं। देखो 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 मैं ठीक हो गया। ईश्वर महान है, ईश्वर की स्तुति करो। ईश्वर महान है, ईश्वर की जय जयकार करो। ईश्वर महान है। नजद की यीशु वो लोगों को संज्ञा प्रदान करते हैं। मैं भी अपना दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूं। वो सुबह कोई बोल रहा था कि यीशु इसी रास्ते से आने वाले हैं। उधर गड्ढा हाँ, लोगों के आने की आवाज गुजर रही है, इसका मतलब यीशु आ रहे होंगे इसी रास्ते से। अरे ये तो वही अंधा है जो सभा गृह के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। अरे हाँ, तूने सच कहा। हाँ, उधर कुछ पेड़ होंगे सर। यीशु मुझ पर दया कीजिए। कैसे चमत्कार है, आंधे भी देखने लग गए। मैं सोच में देख पा रहा हूँ, ईश्वर का सृष्टि इतना सुंदर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ईश्वर सच में बहुत महान है। उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ, उसकी महिमा गाओ। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये तो ईश्वर का पुत्र है जिसने आने वाला था। हमने ऐसे सुना था कि एक नबी आने वाले हैं। हाँ, तूने सच कहा। हमने तो ऐसा चमत्कार कहीं भी और कहीं भी नहीं देखा था। जाओ, जो कुछ तुमने सुना योहान को बतला दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। उस दिन तो मैंने विधवा के एकमात्र बेटे को जिलाया था, विधवा का एकमात्र सहारा को वापस लाया था। आज आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन देने आता हूँ, आप में चेतना जगाने आता हूँ, आपकी अंतर आत्मा को आवाज देता हूँ। हे नव युवक युवतियों, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, उठो। जो मेरी आवाज़ सुनता है वो उस युवक की तरह उठ खड़ा होता है। जो अभी तक उठ नहीं सकता वह मेरी आवाज़ नहीं सुन सका है। मेरे पिता ने आप लोगों को एक विशेष योजना के साथ भेजा है। उसकी तीव्र इच्छा यह है कि उसकी संतान उसकी योजना पूरी करे। लेकिन आप तो अपने जीवन के लिए इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपनी योजना में पिता के लिए समय नहीं निकल पाते। मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए आज भी कार्यरत हूँ। उनकी धार्मिकता मृत्यु की कगार पर है। नवयुवक उठो, जागो और संसार के हर युवक युवतियों को उठाओ और उनमें जान भरो। थैंक यू।